हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजेस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया है कि जो मम्मी है वो बहुत अलग तरीके से देसी घी निकालती हैं, उसमें हर चीज़ का यूज़ करती हैं। तो फाइनली आज मैंने मम्मी को रेडी कर दिया है कि मम्मी आप अपने जो देसी घी की रेसिपी है सब लोगों से शेयर करो, और मम्मी भी मान गई है और हम सबसे पहले मम्मी से ही मिलते हैं। मम्मी रेडी हो आज? हाँ रेडी है बिल्कुल। आज पूरे व्लॉग आपने बनाना है। कोई गल नहीं, चलो करें स्टार्ट मम्मी। हाँ, मलाई ठंडी बड़ी थी ना, सवेरे फ्रिज चो निकालती 2-3 घंटे पहले। अभी मम्मी ना सारी मलाई पतीले में डाल रही है। ये क्या कर रहे हो मम्मी? थोड़ा ना बर्तन च सारी मलाई लग गई है ना। हाँ जी, सारी पानी गर्म पावांगी ना, बर्तन तो सारी मलाई उतर जाएगी, नहीं तो चिपकी रह जाती ना सारी। हाँ जी, ये भी सही तरीका है ना। हाँ, मैं कहती थी ना फ्रेंड्स आपको, मम्मी हर एक चीज़ का यूज़ करती हैं। अब ये बर्तन में जो मलाई लगी करनी ना मलाई। हाँ जी, ये देखो, अच्छा यही पानी दूसरे में डाल दिया आपने। हाँ, दो बर्तन है ना। हाँ जी, हाँ जी, मलाई वाले। हाँ, ये सारी मेल्ट होके पानी में ही आ जाए। बस अच्छा ये इसी मलाई में डाल दोगे। मम्मी आप क्या बता रहे थे कि सर्दियों और गर्मियों में जब हम घी बनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, क्या होता है वो? बस गर्मियां जैसे दही बाते ना, मलाई से दही बाते खट्टा लगा देने हैं। अच्छा, ते सर्दियां जब बिना खट्टा लगाए कि गर्मी से खट्टा लगाओ फिर उधर लस्सी पीने के काम आती है। अच्छा, अब सर्दियों में तो लस्सी पीते नहीं है। लस्सी पीते नहीं ते ऐसे जो कुछ पनीर पनूर निकल जाता है। अच्छा, और कितनी देर के लिए रखते हैं खट्टा लगा के? हाँ जी, 3-4 घंटे। अच्छा, और सर्दियों में तो साथ के साथ निकाल? सर्दियों के नाल दी नाल निकालना मक्खन। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, वो जम सी जाती है ना। यहाँ पे मम्मी मक्खन निकाल रहे और साथ साथ मेरे को हंसाई भी जा रहे हैं ना मम्मी। हंसाना जरूरी है ना, हंसा भी रही हैं और समझा भी रही हैं कि इस तरह निकलता है। हाँ, और मम्मी कह रहे हैं जल्दी हमारा मक्खन निकलने वाला है। थोड़ा हिलाते रहो ना तो फिर मलाई थोड़ी टाइट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ जैसे टाइट। हाँ, निकलने वाले मक्खन, दूध अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा, निकल मक्खन अलग हो गया। हाँ, और देखो, हाँ सही कह रहे हो, देखो टाइट हो गया। हाँ, निकलने लगेगा ना फिर टाइट हो जाएगा मक्खन। फिर थोड़ी देर बाद ये दूध अलग हो जाएगा। गर्मियां को तो लस्सी अलग हो जाएगी, सर्दियां को तो दूध अलग हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मक्खन हो और परोंठी हो उसके ऊपर ताजा ताजा खाओ। अच्छा, बहुत स्वाद आएगा। उन्हें देख पाने ठंडा पानी। अच्छा, चिल्ली चिल्ली। हाँ, चिल्ड पानी ना। फ्रिज चो। अच्छा, निकाल के ना बोतल वो। अच्छा, ठंडा पानी पाना, मक्खन जुड़ जाएगा ना फिर। अच्छा, पेड़े अच्छे बनेंगे ठंडे पानी ना। अच्छा, नहीं पानी बस एक गिलास। अच्छा, एक गिलास इसमें पानी डाल देंगे बस। अगर हम इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो क्या मक्खन नहीं जुड़ेगा आपस में? फिर नहीं, फिर पेड़े नहीं बढ़िया बनते ना। ठंडा पानी पा के पेड़े गोल गोल बढ़िया बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो जब भी मक्खन निकालने लगो उसको जोड़ने के लिए, पेड़े अच्छे बनाने के लिए उसमें ठंडा पानी जरूर डालना। ठंडा पानी जरूर डालना। और अब आप पेड़े बनाओगे? हाँ, पेड़े बनाओ। अच्छा, हाथों से ही बना लोगे? हाँ, मेरे हाथों ना पेड़े बड़े अच्छे लगते हैं ना बनाने। हाँ, ऐसे बनाते हैं ना पेड़े, मजेदार। हाँ, खान दे भी दिल करेगा सब दा देख के। सही कह रहे हो, बिल्कुल बोल। हाँ, अच्छे बने ना। हाँ जी, ऐसे बने बनाए मार्केट में मिलते हैं है ना, सारे पेड़े बना के ना। हाँ जी, दूध अलग कर लेना। अच्छा, हाँ फिर इन दोबारा सारा मक्खन ठंडे पानी में दोबारा धोना है सारा। अच्छा, कितने प्यारे लग रहे हैं, बोल लग रही हैं ये तीन बोल। ये जो बचा हुआ दूध है इससे हम पनीर निकालेंगे। पनीर निकलेगा। और गर्मियों में ये पीने के काम आ जाता है कि दही पे जो खट से लस्सी बन जाती है ना। हाँ जी, लस्सी पीने के काम आ जाती है, वेस्ट तो कुछ नहीं करते। सही है, ये धो दोगे? दोबारा ठंडा पानी पा के ना। अच्छा, एक बार वॉश करना पैंता है ना मक्खन। हाँ जी,
अच्छा इन पेड़ों को तोड़ दोगे फिर? हाँ अच्छी तरह यदि लस्सी निकल जाएगी ना अंदरों की, और दूध नहीं चढ़ा अंदर, हाँ जी वो सारा निकल जाएगा। अब मम्मी ने उन सारे पेड़ों से एक पेड़ा बना लिया। अच्छा ये पानी भी हाँ, उसमें डाल दो दूध हाँ, में भी काम आ जाएगा ना। हाँ अब तो साथ के साथ ही सारा काम कर देते हाँ, हो ना, और मक्खन निकाला फिर घी बना रहे हो साथ के साथ। इधर पनीर, इधर पनीर निकल जाएगा। अच्छा इसमें बस इस तरह मक्खन गैस पे रखना है ना, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है हाँ। कि नीचे चिपके ना। कई बार ना ऐसा होता है मम्मी कह के चले जाते हैं, हम बच्चों के साथ बिजी होते हैं तो थोड़ा थोड़ा नीचे लग ही जाता है कई बार की, तो गुस्सा करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, साथ साथ चलाते रहो। और जो इस पनीर, इस दूध में से पनीर निकलेगा ना, उसको आज ही यूज कर लो, या तो उसकी सब्जी बना लो या इंस्टेंट खा लो, क्योंकि एक दो दिन बाद ना वो खट्टा हो जाता है ना, थोड़ा कड़वा कड़वा हो जाता है, देर बाद हिलाते रहो। हाँ जी देखो नीचे लगता ना पतीला भी, मक्खन सारा हाँ मक्खन सारा पिघल गया। कितनी देर लग जाती है मम्मी घी बनने में? पाँच सात मिनट। घी बनने में भी 5-7 मिनट? थोड़ा सिम गैस कर दो ना। हाँ वो नीचे हाँ, हो जाता है पतीले दे नाल नहीं लगता फिर। अच्छा तेज गैस से नीचे चिपकता है ना मक्खन। ये मम्मी साथ साथ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज करते हैं वो साथ साथ बता रहे हैं। और अब हमारे इस दूध में बॉयल आ गया है, थोड़ी सी डांट रही जाएगी। हाँ जी 2 मिनट से पनीर निकल जाएगा। और टाटरी डालते ही इसमें से पनीर निकल गया। हाँ ऐसे बस छलनी में छान लेंगे, बहुत इजी तरीका है पनीर बनाने का। इस पानी का भी कुछ करना है क्या? ना ना, ना। कभी इसका भी कुछ करना हो देखो। बनने वाले घी मम्मी? बस 1 मिनट हो गया। हाँ बॉयल आ रहे हैं ना इसमें, हो गया तैयार देसी घी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना फिर फिर डब्बे में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ और जब हाँ गरम गरम नहीं छानना। हाँ जी अब ये हमारा देसी घी ठंडा हो गया, अब हम इसको डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। देखो फ्रेंड्स ये मम्मी ने जिस पतीले में देसी घी बनाया है ना, बिल्कुल भी नीचे से गंदा नहीं हुआ, देखो बिल्कुल साफ है, क्योंकि मम्मी साथ साथ हिलाते रहते हैं और जो चिपकता है ना उसको निकालते रहते हैं साथ। तो हमने घी बनाया है उसके नीचे जो बच गया है इसको ना छिड्डी कहते हैं, और इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे कई लोग इसकी पंजीरी बनाते हैं, हम कई बार जब मीठी होती है तो इसमें चीनी डाल के खा लेते हैं, जैसे हमने गाजर पाक बनाया था उसमें यूज कर लिया था, और मम्मी इसका एक डिफरेंट वे से यूज करते हैं वो आज मम्मी बताएंगी। इन्हें ना दोबारा से इसी बर्तन में डाल के गैस पे रख दिया, और मम्मी अब इसमें डाल रहे हैं 1 ग्लास पानी। अब ये गरम हो गया और मम्मी ने गैस बंद कर दिया, अब इसको छान लेंगे यहाँ पे। पकड़ो छलनी। पानी छानने है ना? हाँ जी मतलब ठंडा होएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। अच्छा इसको ठंडा हाँ, करना है। ठंडा करके फिर फ्रिज च रखना है। अच्छा इसके बाद ही निकलेगा? हाँ, इसके बाद ही निकलेगा। और जब तक ये ठंडा होता है इसको हम फ्रिज में रखते हैं, तब तक मैं उस पनीर की बना लेती हूँ सब्जी। देखिए फ्रेंड्स हमारी पनीर की भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी है, और इसको मैंने व्लॉग में शूट नहीं किया, इसका मैंने अलग से शॉर्ट बनाया है, क्योंकि फिर व्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। 3 घंटे के बाद ये फ्रिज से निकाला है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या बना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर ऊपर ना सारा घी आ गया और नीचे पानी रह गया, अब हम इसको ना छलनी की हेल्प से छान लेंगे। मैंने नाइफ की हेल्प से ना इसमें कट कर दिया और मैं इसको छान लूंगी। और ये सारा देसी घी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से कितना सारा घी निकल गया। देखिए
हमने छिड्डे में पानी डाल के उसको उबाला, ठंडा किया, फिर 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, और 4 घंटे के बाद जब मैंने फ्रिज में से निकाला है तो ऊपर ऊपर घी आ गया और नीचे नीचे पानी रह गया। और ये बनाने का तब फ़ायदा होता है जैसे अब गर्मियों में 15 से 20 दिन की मलाई होती है, जब हम उससे घी बनाते हैं जो उसकी छिड्डी होती है ना वो कड़वी होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, हम उसको नॉर्मली चीनी डाल के भी नहीं खा सकते, उसकी पंजीरी भी नहीं बना सकते गर्मियों में, तब इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जो उसमें उसके अंदर घी होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये घी बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। जल्दी आपको हमारे इंटरेस्टिंग से ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी वजह से आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।